नई सुबह की ऑडियो कॉलम सर्विस में खुशामदीद। रोजनामा 92 न्यूज से कॉलम पेश है, पगाड़ा से कहां तक। कॉलम निगार हैं रऊफ क्लासरा और आवाज है मलिहा अमीन की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। जहांगीर तरीन के इंटरव्यूज से लगता है इन्हें एहसास है कि इमरान खान साहब ने अपनी साख बनाने के लिए इन्हें इस्तेमाल करके डम किया है। हालांकि इन्होंने तो खान को वजीर आजम बनाने में अहम किरदार अदा किया है। सोचने को तो इमरान खान साहब भी सोच सकते हैं कि जहांगीर तरीन ने उन्हें उल्टा इस्तेमाल किया और वजीर आजम बनाने तक जो उन्होंने वसाइल खर्च किए थे वो वजीर आजम बनते ही सूद समेत वसूल कर लिए हैं। सियासत इस चीज़ का नाम है, कौन कब किसको इस्तेमाल कर सकता है और जो जीता है वही सिकंदर। मुझे यूसुफ रजा गिलानी से लंदन में अगस्त 2007 में होने वाली मुलाकात याद आई। बरसों जनरल मुशर्रफ की कैद में रहने के बाद पहली दफ़ा लंदन आए हुए थे। बेनज़ीर भुट्टो ने पार्टी रहनुमाओं का इजलास रहमान मलिक के घर बुलाया हुआ था। वो जनरल मुशर्रफ से खुफिया डील कर रही थी और नए इलेक्शन के लिए तैयारियाँ भी। गिलानी साहब का फ़ोन आया, कहाँ हैं? मैं इन दिनों एक पाकिस्तानी अंग्रेज़ी अखबार के लिए लंदन से रिपोर्टिंग कर रहा था। मैं उन्हें मिला और फिर एजवेयर रोड पर हमने पैदल चलना शुरू किया। मुझे महसूस हुआ वो डिप्रेस और उदास हैं। हैरान हुआ कि वो रिहाई पाकर लंदन आए हैं, बेनज़ीर भुट्टो से बरसों बाद मिल रहे हैं, उन्हें खुशबाश होना चाहिए। फिर उन्होंने जनरल मुशर्रफ की जेल भुगत ली थी लेकिन पीपल्स पार्टी छोड़ने पर आमादा ना हुए थे। हालांकि मुशर्रफ के करीबी मुशीर तारिक अजीज़ इन्हें जेल में मिले थे और मुशर्रफ को ज्वाइन करने के बदले बड़ी पेशकश भी की थी। गिलानी साहब डटे रहे और जेल भुगत ली। अब जब वो 8 बरस बाद बेनज़ीर भुट्टो से मिल रहे थे तो उनका ख्याल था वो इन्हें ज़्यादा अहमियत देंगी, लेकिन पार्टी इजलास में इन्हें वो अहमियत ना मिली जिसकी वो अपने तई तवक्का रखते थे। शायद बीबी के जहन में था कि कहीं गिलानी का कद मजीद ऊँचा ना हो जाए, वो पार्टी में ज़्यादा अहमियत इख्तियार ना कर जाएँ और कल को उनसे कंट्रोल ही ना हो। यही रवैया बाद में नवाज शरीफ ने जावेद हाशमी साहब के साथ रवा रखा। जब वो जद्दा से वापस लौटे तो ऐसा सलूक किया कि जावेद हाशमी पार्टी छोड़ गए। आसिफ जरदारी ने तो इख्तियारात मिलते ही गिलानी साहब को वजीर आजम बनाकर जनरल मुशर्रफ की जेल भुगतने का अजाला कर दिया, लेकिन जावेद हाशमी को शरीफों ने इबरतनाक मिसाल बना दिया। खैर, एजवेयर रोड पर चलते हुए गिलानी साहब कहने लगे, आज बेनज़ीर भुट्टो को इजलास की सदारत करते हुए देखकर मुझे पीर पगाड़ा याद आ गए। जब 8 बरस पहले बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को मिला था तो वो और थीं, आज वो बिल्कुल मुख्तलिफ बेनज़ीर भुट्टो थीं। आज के इजलास में देखा उन्हें पार्टी के मामलात पर कितनी गिरफ्त है। इन्हें हर बंदे का पता है कि कब किस बंदे को कहाँ इस्तेमाल करना है और मर्जी के नताइज लेने हैं। ये जानना सियासतदान की खूबी होती है कि वो कब किस बंदे को अपने सियासी फवायद के लिए इस्तेमाल कर सकता है और अगले को हवा भी ना लगे। इसी दौरान मुझे एजवेयर रोड पर अरबी खजूरों की एक दुकान नज़र आई। मैंने कहा, गिलानी साहब ठहरें, अरबी खजूरें ख़रीदने दें, मुझे बहुत पसंद है। खजूरें ख़रीद कर बाहर निकला तो बाहर शहबाज शरीफ गुजर रहे थे। गिलानी साहब वो मुझे देखा तो रुक गए, अच्छे तरीके से मिले। शहबाज और गिलानी की मुलाकात भी 8 बरस बाद हो रही थी। बस आ गई तो शहबाज शरीफ इस पर बैठ गए। मैंने बात वहीं से जोड़ी ताकि पता करूँ बेनज़ीर भुट्टो से मिलने के बाद गिलानी साहब को पीर पगाड़ा याद क्यों आए। उन्होंने एक कहानी सुनाना शुरू की। सन 1986 में मोहम्मद खान जुनेजो वज़ीर आज़म थे, नवाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला, गिलानी उस वक्त जुनेजो हुकूमत में एक वज़ीर थे, आर्मी चीफ जनरल ज़िया मुल्क के सदर थे। एक दिन गिलानी साहब को पीर पगाड़ा ने बुलाया और कहा, बरखुरदार आपसे एक काम है। गिलानी साहब पीर पगाड़ा के रिश्तेदार भी थे, उनके एक बेटे की शादी पीर पगाड़ा की पोती से हुई है कुछ बरस पहले। पीर पगाड़ा ने कहा, आप पंजाब जाएं और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाएं, नवाज शरीफ को हटाना है। गिलानी कुछ हैरान हुए तो पगाड़ा ने कहा, जी आप जाएं, सबकी इजाज़त है। उनका इशारा जनरल ज़िया की तरफ था। गिलानी खुशी खुशी लाहौर पहुंचे और काम शुरू कर दिया। बहुत जल्द ये खबर लाहौर में फैल गई कि नवाज शरीफ से बड़े नाराज़ हो गए हैं। गिलानी ने एक एक एमपीए से मिलना शुरू कर दिया। सब एमपीएज ने नवाज़ हुकूमत जाते देखकर अपनी सीटें अगले सेटअप में पक्की करने के लिए मुल्तान के पीर के हाथ पर बैत करनी शुरू कर दी।
एक दिन गिलानी साहब को अंदाज़ा हुआ कि अब इनके पास नंबर्स पूरे हो गए हैं, जब चाहें अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। उन्होंने गुरु को पैगाम भेजा, मुर्शिद काम हो गया, अब क्या हुक्म है? मुर्शिद ने जवाब दिया, बताते हैं। उस शाम पीटीवी के खबरनामे में खबर चली, पंजाब के वज़ीर आला नवाज शरीफ ने सदर जनरल ज़िया से पिंडी में मुलाकात की और जनरल ज़िया ने नवाज शरीफ के लिए अपनी पूरी हिमायत का ऐलान किया है। ये सुनकर गिलानी साहब के पांव तले से ज़मीन सरक गई। रही सही कसर इस वक्त पूरी हो गई जब अगले दिन अखबारात में पीर पगाड़ा का बयान छपा, नवाज शरीफ की बोरी में सुराख थे, हमने सी दिए। मायूस गिलानी इस्लामाबाद पहुँचे और मुर्शिद के चरणों को छुआ और पूछा, गुरु ये आपने क्या किया, मेरी तो सियासी साख तबाह हो गई। पगाड़ा ने कहका लगाया और बोले, आप दुरुस्त समझे, हमने तुम्हारी साख ही तो इस्तेमाल की है नवाज शरीफ को औकात में लाने के लिए। गिलानी साहब चौंके, पगाड़ा बोले, जनरल ज़िया को कुछ अरसे से ये खबरें मिल रही थीं, नवाज शरीफ निजी महफिलों में कहता है कि मैं वज़ीर आला अपनी वजह से हूँ, जनरल ज़िया का कोई कमाल नहीं। हमने सोचा ज़रा बता देते हैं वो किसकी वजह से वज़ीर आला हैं। मैंने तुम्हारा इंतखाब सोच समझ कर किया था, तुम जवान हो, तुम्हारी साख अच्छी है, तुम सराय की इलाके से हो और सराय की MPAs को आसानी से खींच सकते हो, और फिर एक गद्दी भी है, ऊपर से मेरे रिश्तेदार हो और मैं जनरल ज़िया के करीब समझा जाता हूँ, सो तुम पर सबने जल्दी भरोसा करना था, यूँ हमने तुम्हें इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। गिलानी सदमे की हालत में मुर्शिद को देखते रहे और मुंह से सिर्फ इतना निकला, गुरु ये बता दें, एक सियासतदान कब इस काबिल होता है कि वो जब चाहे किसी को इस्तेमाल करे और उसे पता ही ना लगने दे? पगाड़ा बोले, 30 साल लगते हैं जब आप ये फ़न सीखते हैं। गिलानी बोले, बेनज़ीर भुट्टो को भी तो 30 बरस अब हुए हैं और अब उन्हें सब पता है, जो काम पीर पगाड़ा के बकौल सियासतदान 30 बरस में सीखता है वो इमरान खान साहब ने 20 बरस में ही सीख लिया है। जहांगीर तरीन को टीवी इंटरव्यूज़ में सुनकर एहसास हो रहा है कि इन्हें भी खान ने इस्तेमाल किया, इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने के लिए दिन रात एक किया, बंदे तोड़कर पार्टी में लाए और ख़जानों का मुंह खोल दिया, जहाज़ उड़ाए। अब पता चला है कि शुगर स्कैंडल में एक को कुर्बानी देनी थी, कुल्हाड़ा तरीन पर गिरा। तरीन हैरान है कि खुद इमरान खान काबीना ने एक्सपोर्ट और सब्सिडी की पहले मंजूरी दी और उसे कहा जाओ एक्सपोर्ट करो, उस्मान बुज़दार से 3 अरब ले लो। अब अचानक खुद ही इमरान खान साहब अपने फ़ैसले के ख़िलाफ़ तहकीकात करके तरीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म देकर अवाम और मीडिया से दाद भी वसूल कर रहे हैं। जहांगीर तरीन को सियासत में सिर्फ 10 बरस हुए और अदालत से ख़ुद को नाअहल भी करा बैठे, जबकि इमरान को सियासत में 22 बरस हो चुके हैं। सियासत की जो आला तरीन डिग्री लेने के लिए पीर पगाड़ा ने 30 साल रखे थे, वो डिग्री इमरान खान साहब ने 8 बरस पहले ले ली है। कुछ तालिबेलम जीनियस होते हैं और 2-3 क्लासेस का इकट्ठा इम्तिहान देकर आगे निकल जाते हैं। तरीन साहब की बदकिस्मती, वो नालायक और इमरान खान इस खेल में लायक निकले। पीर पगाड़ा कहीं सिगार सुलगा कर मुस्कुरा रहे होंगे कि एक और मुल्तानी बकरा बन गया है। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। हमारे कंटेंट से मुतालिक अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।